स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। मुस्कुराते हुए आज देश का दुख बताना चाहता हूँ। 5,500 बिजनेस कॉलेजेस हैं आज हमारे देश के अंदर। लगभग 3 करोड़ स्टूडेंट्स मेरे देश में यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े स्कैंडल में देश फंसा हुआ है। आप जानते हैं, आज एसओचैम की रिपोर्ट बता रही है 93% स्टूडेंट्स जो पास आउट हो रहे हैं ना, या तो वो अंडर एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड है। आज देश की समस्या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रह गई है, आज देश की समस्या अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी है। एक स्टूडेंट जो एजुकेशन लोन लेके माता पिता बड़े सपनों के साथ उसको भेजते हैं एमबीए इंजीनियरिंग के कॉलेजेस के अंदर, हेफ्टी लोन लेता है 20 लाख रुपए। आज एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज चार्ज कर रहा है 20 लाख रुपए। लेने के बाद एनपीए 147% बढ़ गया है। लोन की रीपेमेंट स्टूडेंट कर नहीं पा रहे, जितनी की उनकी तनख्वाह लगती है उतने में वो उस इंटरेस्ट को भी मीट नहीं कर पा रहे। उसके एजुकेशन लोन की किस्त तो बहुत छोड़ दो, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट फैकल्टीज आती जा रही है। देखिए, कॉलेज को आज क्या चाहिए? प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सस्ता प्रोफेसर हायर करना चाह रहे हैं। मैं कई सारे कॉलेजेस में गया, मुझे स्टूडेंट आकर के मिलते हैं, मैं हैरान हो गया देख करके। 35-32 हज़ार रुपये महीना एक लेक्चरर को हमारे देश के अंदर मिल रहा है, और वही अच्छे लेक्चरर को हार्वर्ड के अंदर 16 लाख रुपए महीना मिल रहा है, स्टैनफोर्ड के अंदर 16.5 लाख रुपए महीना, क्योंकि वो अच्छे प्रोफेसर को रिटेन कर पा रहे हैं। और हमारे कॉलेजेस में क्योंकि अच्छा प्रोफेसर, देखिए अच्छा प्रोफेसर आएगा कहाँ से? 30-32-35 हज़ार रुपये महीना आप उसको दोगे, जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती वो जाके प्रोफेसर बनता है। प्रॉब्लम क्या है हमारे देश के अंदर? 25-26-28-30 साल तक चाहते हैं कि आप शादी होकर नौकरी करके सेटल हो जाएं। आज अगर आपको प्रोफेसर बनना है पीएचडी करनी पड़ेगी। 5-7-8 एक्स्ट्रा साल लग जाते हैं एक आदमी को पीएचडी करने में। उसकी उम्र 30-32 साल हो जाती है जब तक वो किसी कॉलेज में जाके प्रोफेसर लगता है। लेकिन अगर एमबीए खत्म करने के बाद आप अगर टैलेंटेड हैं, टैलेंटेड आदमी प्रोफेसर नहीं बनना चाहता, इकोसिस्टम ही अलाउ नहीं कर रहा मेरे देश का आज उनको प्रोफेसर बनने के लिए, वो कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लेता है 24-25 साल की उम्र में। 40-50-60 हज़ार रुपये 70 हज़ार रुपये तनख्वाह उसकी, अगर वो कॉम्पिटेंट आदमी है 1 लाख रुपये पहुंच जाता है अगले 5-7 साल में। यहां पर इकोसिस्टम में अच्छे प्रोफेसर ना होने के कारण कॉर्पोरेट कैंपस और कॉलेज कैंपस अलग अलग संसार हो गए हैं। ध्यान दीजिए, कम ऑन। स्टूडेंट का लेवल ऑफ एस्पिरेशन और उसका लेवल ऑफ प्रिपरेशन, जमीन आसमान का अंतर है। वो प्रिपेयर्ड यहां के लिए है, एस्पिरेशन प्रिपरेशन में इतना अंतर हो गया। उसका कारण क्या है? कॉलेज कैंपस अलग ही संसार है, कॉर्पोरेट कैंपस अलग ही संसार है। इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट दे नहीं पा रहे। आज महारत्ना नवरत्ना पीएसयू हमारे देश के अंदर, उन्होंने 28% नौकरी न्यू जॉब हायरिंग कम कर दी, क्योंकि लीन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ले रहे हैं। ऑटोमेशन आता जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है, लीन मैनेजमेंट प्रोसेसेस बढ़ते जा रहे हैं, जॉब्स कम हो रही हैं। और जितनी जिस रेट पे आज देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है उससे कहीं ज्यादा रेट पे देश में इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो इंजीनियर्स कंज्यूम नहीं हो पा रहे। पिछले कुछ सालों में 70% एमबीए एनरोलमेंट बढ़ा है। मां बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ के आएगा। लिटरेसी रेट यूथ का 92% है, मैं मानता हूं, लेकिन ये लिटरेसी रेट कागज पे है, क्योंकि आज की पढ़ाई डिग्री लेने के लिए हो रही है। वेल फिल्ड माइंड है, वेल फॉर्म्ड माइंड नहीं है, और ये वेल फिल्ड माइंड आपको कुछ नहीं देगा। दुनिया भर के देशों में हमारा भारत आज इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। चाइना की एवरेज एज 37 साल है, रशिया 37 साल, यूएस 38 साल, कैनेडा 38 साल, ऑस्ट्रेलिया 38, ये सारे देश जितने भी हैं इनकी एवरेज एज जो यहाँ मीडियन है ना, मीन मीडियन मोड निकालते थे ना मैथ्स में, इनका एवरेज एज ज़्यादा है। हमारा देश यंग है, हमारे देश की एवरेज एज है 27, और वो पेपर पे तो लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, लेकिन नौकरी एसओचैम बता रहा है एवरेज 20 स्कूल से निकलने के बाद नौकरी 10,000 रुपये महीने की मिल रही है। सिक्योरिटी गार्ड को भी नौकरी 10-12-13 हज़ार की मिल जाती है। ये हमारे एमबीएस का हाल है। आप दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के करिकुलम को समझें तो उनका क्या कहते हैं, इफ यू टेल मी आई मे फॉरगेट, इफ यू शो मी आई मे रिमेंबर, इफ यू इन्वॉल्व मी आई विल अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। आज हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और वॉटन ये क्लासरूम के लेक्चर नहीं कर रहे, स्टूडेंट्स को कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग केस स्टडीज के साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको ऐसी सिचुएशन देते हैं जिससे कॉर्पोरेट में जब जा करके स्टूडेंट ज्वाइन करेगा वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक बन जाए। तो ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में खाली लेक्चर होता रहे, फैकल्टी एक्साइटिंग इतनी है तो स्टूडेंट में एक्साइटमेंट आ जाता है प्रोजेक्ट करने के लिए। हमारे देश की फैकल्टी अब 28,000 रुपये महीने वाला पीएचडी प्रोफेसर, कहां से एक्साइटमेंट आएगा उसके अंदर? अब उसमें एक्साइटमेंट नहीं है, स्टूडेंट में नहीं है। स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं करना चाहता, बंक मारना चाहता है, वो उसको बचाने के लिए 75% का अटेंडेंस का सिस्टम रख देते हैं, डी बार कर देंगे। अब उसका मोटिवेशन पढ़ाई नहीं है,
75% की अटेंडेंस है। अब वो 75% की अटेंडेंस के लिए आता है और बैठा रहता है ऐसे। अब उसको कोई अगर बाई चांस एक आधा प्रोजेक्ट दे भी दिया केस स्टडी करने के लिए साल दो साल के अंदर, या साल में दो तीन दे भी दिए, तो वो जाता है दिल्ली में बेसराय है, वहाँ जाता है ढूंढता है बहुत सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, 1000 रुपये देता है प्रोजेक्ट खरीद के लिए आता है जाके और जाके जमा कर देता है। ये हाल है देश में। हार्वर्ड 80% केस स्टडी पे काम करता है, 10% प्रोजेक्ट पे और केवल 5% लेक्चर दे रहा है। स्टैनफोर्ड में 40% केस स्टडी है, 25% प्रोजेक्ट है, लेक्चर वहां भी 20% है। वॉटन में 40% केस स्टडी, 25% प्रोजेक्ट, लेक्चर वहां भी 20% है। एक रिसर्च में पता चला 38 से 58% स्टूडेंट्स समर इंटर्नशिप एक्चुअल प्रैक्टिस करते नहीं, फेक प्रोजेक्ट लेके आते हैं और कॉलेज क्रॉस वेरिफिकेशन करता नहीं है। इनकॉम्पिटेंट फैकल्टीज टीचिंग विद कन्वेंशनल थियोरेटिकल क्लासरूम बेस्ड अप्रोच। असर क्या हो रहा है आज? कॉर्पोरेट क्या चाहता है? कॉर्पोरेट चाहता है एक आदमी हायर करूं, पांच आदमी का काम कर ले। और हमारे जो बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो पांच आदमी हायर करो, एक का काम नहीं कर पाता, उसका स्किल डेफिसिट इतना बड़ा है कि ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 MBA इंजीनियरिंग के बाद उसका स्किल 1.5 भी नहीं है, नॉट इवन 1.5 out of 10। RBI के फिगर के हिसाब से पिछले साल 20,000 करोड़ का लोन बांटा गया एजुकेशन लोन स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, 700 बिलियन INR का लोन पेमेंट अभी भी टोटल आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, 142% इंक्रीज हो रहा है NPA में। स्टूडेंट कहाँ से पैसा देगा, कहाँ से पैसा देगा? एक्चुअली ये पूरा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉर्पोरेट्स को इंटरव्यू के टाइम पे MBA का डिग्री चाहिए। अब क्योंकि MBA का डिग्री उनके लिए वन ऑफ द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बन गया, इतने सारे धंधे खुल गए स्कूल कॉलेज के। आओ भाई कॉलेज खोलो, कॉलेज खोलो, कॉलेज खोलो, हम भी डिग्री देंगे, हम भी डिग्री देंगे। आज पहली बार कॉर्पोरेट समझ रहे हैं कि टॉप IIMs की जो डिग्री है वो तो काम की है, ये जो हल्के बी स्कूल है इनकी डिग्री किसी काम की नहीं है। अच्छा आपके मन में आता होगा कि भैया टॉप IIMs इतना अच्छा कैसे चला लेते हैं, ये भी तो सरकारी बॉडीज हैं। देखिए इन्होंने एक सिस्टम बनाया IIM के ब्रांड में, ये प्रोफेसर को अच्छे फैकल्टी को रिटेन करने के लिए उसको कहते हैं तेरी तनख्वाह कम है मैं जानता हूं, तू जाके प्राइवेट कंसल्टिंग कर ले, 50% IIM के ब्रांड को लेके कर ले, जो पैसा मिलेगा वो IIM को दे देना। अब कॉलेज में एक प्रोफेसर को फ्रीडम मिल रहा है, उसको IIM का ब्रांड मिल रहा है, उसको रिस्पेक्ट मिल रहा है, उसको बाहर जाके कंसल्टिंग करने के लिए फ्रीलांसिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और IIM में पढ़ा भी रहा है वो, इसीलिए वो IIM में टिका हुआ है, अच्छा प्रोफेसर टिका हुआ है, नहीं तो वो इंटरनेशनल चला जाएगा। इंडिया में अच्छी फैकल्टी ना होने का खामियाजा, जब सारे कॉर्पोरेट्स को भुगतना पड़ रहा था हल्के स्टूडेंट्स को हायर करके, तो पहली बार 3-4-5 कंपनीज ने इसको तोड़ा देश में हमारे। गूगल, अर्नेस्ट एंड यंग, एप्पल, स्टारबक्स, IBM, बैंक ऑफ अमेरिका, ये कुछ कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने पहली बार बिना डिग्री देखे ट्राई कर रहे हैं अच्छे रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए। आप मुझसे पूछते हैं डॉक्टर बिंद्रा आप क्या कर रहे हैं, मेरा काम क्या है? आपको ऐसी फ्री ऑनलाइन लर्निंग यूनिवर्सिटी यूट्यूब पे केस स्टडीज देना जो कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच दे रहा है। कॉर्पोरेट कैंपस, कॉलेज कैंपस, संसार अलग है, मैं इनको एक करना चाहता हूं। हमारे छोटे छोटे बिजनेसमैन को हम देश में एक बिजनेस आर्मी के रूप में तैयार करना चाहते हैं, किसी भी कठिन बिजनेस सिनेरियो को हैंडल करने के लिए उनको केस स्टडी देना चाहते हैं कि वो केस स्टडी समझ के उनको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए अब वो उसको हैंडल कर लें। इस प्रकार की केस स्टडी से उनकी जो लर्निंग है वो रिटेंशन बढ़ जाता है। देश तो पिछले 10 साल में इतना बदला है जितना पिछले 1000 साल में नहीं बदला, लेकिन एजुकेशन करिकुलम वो नहीं बदल रहा है, वो आज भी अपडेट नहीं हो रहा, पुरानी पढ़ाई, पुरानी केस स्टडी, पुराने सब्जेक्ट, वही पुरानी मैनेजमेंट थ्योरीज। इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड अपॉर्चुनिटी जो मैं क्रिएट करके आज अपने देश तक पहुंचाना चाहता हूं, मेरी एक दो रिक्वेस्ट है, कम से कम 1,00,000 लाइक अगर आप मुझे दे दें इस वीडियो में, मैं एजुकेशन बेस्ड वीडियो और बहुत सारे देना चाहता हूं। अगर आप ज्यादा लाइक देंगे मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वीडियो चाहिए और इस वीडियो को हर स्टूडेंट तक, हर प्रोफेसर, हर कॉलेज तक, हर पेरेंट्स तक पहुंचाइए ताकि लोग पैसा बर्बाद ना करें और YouTube पे आकर के फ्री केस स्टडी बेस्ड लर्निंग देखते रहें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लो और बेल आइकॉन को हिट करेंगे तभी नोटिफिकेशन आएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।